जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करेंगे एमए होम साइंस के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एमए होम साइंस क्या होता है, इसके बाद में कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या आपको जॉब मिल सकती है या फिर जॉब नहीं मिल सकती है, मिलेगी तो किस किस फील्ड में मिल सकती है, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमए होम साइंस के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो साथियों, बात करते हैं एमए होम साइंस। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि एमए होम साइंस ये क्या है, आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है। इसको करने के बाद आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है, बीए बीएससी बीकॉम, तो आप एमए होम साइंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें करने के लिए आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता कि आपका जो ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, 45% होना चाहिए। यदि आप अपना ग्रेजुएशन में पास हैं तो भी आप अपना एमए होम साइंस से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमए होम साइंस जो आपके ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसको आप रेगुलर और प्राइवेट डिस्टेंस तीनों ही मोड में कर सकते हैं। अब बात करें कि एमए होम साइंस करने के बाद में कैरियर स्कोप क्या है, कहां कहां पर आपको जॉब मिल सकती है। तो साथियों, एमए होम साइंस करने के बाद में आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की वैकेंसी आती है उनको आप भर सकते हैं, उनको आप फिल कर सकते हैं। यदि आप एमए के साथ साथ अपना बीएड भी कर लेते हैं तो उसके बाद में आप जो जितने भी पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं। पीजीटी के फॉर्म यानी कि आपको यदि टीचर बनना है, स्कूल टीचर बनना है, तो वो आप भर सकते हैं। आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं, होम साइंस के आप टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना यदि बीएड भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप प्राइमरी से लेकर और 12th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। इसके साथ साथ जब आप एमए फाइनल ईयर में होते हैं तो आप अपना दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम। यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आप होम साइंस के क्या हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको क्या मिल जाता है, जेआरएफ मिल जाता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आप फिर क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यानी कि जब आपको पीएचडी करने के लिए, जब आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपको जेआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है, तो आपको मिलता है पैसा, और लगभग 5 साल तक आपको ये पैसा दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये अमाउंट तभी दिया जाता है जब आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। यानी कि पीएचडी करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, ये अमाउंट दिया जाता है, और काफी अच्छा अमाउंट दिया जाता है। लगभग आपको 5 साल तक ये अमाउंट दिया जाता है, और 5 साल में आपको लगभग 25 लाख रुपए तक का ये अमाउंट दिया जाता है। तो साथियों, इससे आगे बात करें साथियों के और क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो ये मैंने आपको टीचिंग के ऑप्शन बता दिए हैं। इसके अलावा आप जो है जो इंटीरियर डिजाइनर की तरफ आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपके पास कैरियर ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ आप जो कैटरिंग वगैरह होती है, होटल वगैरह होते हैं, तो वहां पर भी जो आपका बैकेंड है वहां पर आप जॉब कर सकते हैं, वहां पर भी आपको प्रेफरेंस दी जाती है, तो वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। एमए होम साइंस के बाद आप कैरियर एडवाइजर बन सकते हैं, काउंसलर आप बन सकते हैं, ये भी आपके पास एक कैरियर ऑप्शंस है। इसके साथ साथ आप अपना कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप अपने ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो ये सब आपके पास कैरियर ऑप्शंस हैं। अब बात करें कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो साथियों डिपेंड करता है सैलरी, आप किस जॉब पर आप जा रहे हैं, कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है, कौन सी पोस्ट पर आपकी हायरिंग हो रही है, तो वो डिपेंड करेगा सैलरी उसके ऊपर, क्योंकि अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सभी में आपकी अलग अलग सैलरी है, तो सैलरी का बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपका जो मिनिमम सैलरी है 15-20 से आपका स्टार्ट हो सकता है पर मंथ, और मैक्सिमम आपका 50,000 तक पर मंथ तक आपको मिल सकता है। तो साथ ही यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर आंसर करने की या वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।